नमस्कार, हम बाने जीत कुमार और सब चालू कर दिल बानी निष्ठक भोजपुरी देखे। तो आज हम बताए भोजपुरी फिल्म। हाँ, भोजपुरी फिल्म जोन पैन इंडिया हो केवल भैया। हाँ, हर हर गंगे के बारे में। तो भैया, हर हर गंगे भी पैन इंडिया हो केवल भैया। काहे कि एक फिल्म के भी पोस्टर तरण आदर्श एक बार शेयर कैले रहलन। हाँ, एक बार शेयर कैले रहलन जब फिल्म के प्रथम लुक आई रहे। तो फाइनली ये फिल्म जुड़ल कुछ अपडेट्स आई बार वहाँ लोग इनके बताएं बताएं बताएं। तो चलिए, ये सब कुछ देखे खातिर जाने खातिर वो काम करी, मतलब बना रही निष्ठक भोजपुरी पर और देखत रही। बाकी लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दी। चलिए, तमनी के बता बानी आप अपडेट। देखिए, हर हर गंगे एगो बड़ा बजट के फिल्म हुए और ये फिल्म पर पवन सिंह के बहुत बड़ा दाव लगल। वहाँ पवन सिंह के मतलब इमेज पर, उनकर पावर स्टार वाला ट्रेंड पर बहुत बड़का दाव लागल बड्डे कि एगो पैन इंडिया फिल्म दे रहा। अब पैन इंडिया फिल्म में आखिर का रहेला कि जोना के लेके आदमी कह दिला भैया पैन इंडिया फिल्म। देखिए, पैन इंडिया फिल्म कहला से ना होला, कैला से होला। हाँ, मतलब मुंह से कुछ भी अपना आप से कहला से ना होला। जब तक धरातल पर उतर के कारनामा ना कर पाई, तब तक फिल्म के कौनो पैन इंडिया साइन इंडिया कौनो इंडिया से कौनो लेना देना नहीं खे, कौनो लेना देना नहीं खे। तो फाइनली दावा तो कैल जात बा कि हर हर गंगे एगो पैन इंडिया फिल्म हो कोल भैया। लेकिन अभी दूर दूर तक राह बहुत ही कठिन बटे। कहें कि जौना हिसाब से माही फिल्म के मतलब एगो हु हल्ला भइल, फिर हर हर गंगे के और संघर्ष टू के, मतलब ये तीन गो ऐसा फिल्म इंडस्ट्रीज में आ रहा बड़ी सौ जेकर कोनो अभी जोड़ तोड़ नहीं खेल लौकत। तो फाइनली अभी तीनों फिल्म कितना कमाल करिए सर, कितना यूनिस करिए सर, ये तो समय और वक्त जरूर बताइए। तो फाइनली फिल्म को बता दी कि फिल्म के अभय सिंह और ए के पांडे और वाई आर वर्मा ए फिल्म के तीन लोग निर्माता लोग बटे। अभी तीनों लोग निर्माता के सोच का बटे कि तरह के डेवलपमेंट वाला सोच बा और भोजपुरी ने ठीक है कहाँ ले जाएगा सोच बा, एहनो से मिल के ही पता कल जा सकेला। ऐसे कुछ भी ना कल जा सकेला। बाकी एक डायरेक्ट कैले बानी चंदन कन्हैया उपाध्याय। चंदन कन्हैया उपाध्याय डायरेक्ट ही ना, ये फिल्म के कहानी भी लिखल बानी और स्क्रीन प्ले भी लिखल बानी। तो अब स्क्रीन प्ले कहानी में उनको कितना डिफरेंट रही और कितना उनकर मतलब निर्देशन में वो सब कुछ धार देह के मिली, ये तो समय बताई। बाकी में संवाद राजेश पांडे के बारे लिखल बड़ा और संगीत ओम झा, मधुकर आनंद और छोटे बाबा। भाई तीन तीन जगह म्यूजिशियन ए फिल्म में म्यूजिक दे रहा बड़ा। अक्सर पवन सिंह के ना कोनो थोड़ा सा बड़ा टाइप के फिल्म रहेला तो मैं नजर म्यूजिशियन के संख्या कहें बढ़ जाला हमके नहीं कह पता। शायद एगो म्यूजिशियन से इन लोग को विश्वास ना रहेला, शायद ए तरह अब कहें होला के तरह ना एक बारे में हम ना बता सकें। बाकी फिल्म में देखी तो गीत प्यारेलाल यादव, राकेश निर्मल, विनय निर्मल, राजेश पांडे, सौरभ सिंह, शशि बारूद जैसन इसमें गीतकार लोग गीत लिखल बड़ो। बाकी में देखे तो एक्शन एक्शन बहुत महत्वपूर्ण होकर एक्शन एस मलेश और निशांत खान देले बड़न जब। अब कितना बढ़िया हो, कितना सुघर, ये तो टेलर आई तो पता चली टेलर के बताएं डेट। बाकी में पवन सिंह दिखाई दे रहा है स्टार कास्ट में, उनका संग स्मृति सिन्हा बड़ी, डिंपल सिंह भी, अंजना सिंह भी, अरविंद अकेला, कल्लू जैसन स्टार कास्ट भी फिल्म में बा लोग। तो फाइनली ये फिल्म के ट्रेलर देखा जाओ तो बहुत जल्द ही आवल बा, कि फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन लगभग पूरा हो चुकल भी है। अब वो कौन डेट है कौन समय है अभी ऑफिशियल डेट निकल के नहीं खेल, जैसे ही आवेला हम बता रहा बानी बता रहा बानी। बाकी वीडियो में इतना ही, नमस्कार।